किसानों की हालत को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले बोल रही है और इसके जवाब में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने राज में किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब किसानों को राजनीतिक हथकंडा बना रही है। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी के कई मंत्री और विधायक कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन कांग्रेस को डूबती नाव बताते हैं और इस नाव पर कौन सवार होगा, कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन से खास बातचीत की संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। कमलनाथ जब से पीसीसी चीफ बने हैं, जो कांग्रेस है वो किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर खासी हमलावर होती जा रही है और दिन पे दिन ये हमला उसका बढ़ता ही जाएगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। बिसेन साहब, आप भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है कांग्रेस जो है उसको किसानों को बड़ा मुद्दा बना रही है, कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, तो क्या वाकई किसानों की हालत इतनी खराब है कि कांग्रेस उसको मुद्दा बना ले? कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने वास्तविकता में कभी, जब वो सत्ता में रहे, किसानों के हित में कभी कोई काम नहीं किया और जो हालत राज्य के किसानों की बिगड़ी है, देश के किसानों की बिगड़ी है, उसके लिए कांग्रेस जवाबदार है। जिस कांग्रेस ने किसानों का ऐसा स्थिति बना दिया था कि उनको कब बिजली मिलेगी, कितने देर मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरे प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया था। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास में कहने को कुछ है ही नहीं। बिसेन साहब, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जो कृषि मंत्री बिसेन है उन्होंने खुद जो है भावांतर को जो है अच्छी योजना नहीं बताया है और उनके हिसाब से ये पर्याप्त नहीं। नहीं, भावांतर भुगतान योजना बहुत अच्छी योजना है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो एक मॉडल रेट आया और जो और सपोर्ट प्राइस था, उसके बीच के गैप को किसान को दिया गया है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हम तो आज पूरा का पूरा मूल्य किसानों को दे रहे हैं। सब एक ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो चीफ हैं कमलनाथ, वो कह रहे हैं कि जो कई मंत्री और विधायक हैं वो जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं चुनाव के समय, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक और न ही कोई मंत्री न कांग्रेस में कभी जाने का सोचता न सोच सकता। कांग्रेस तो डूबता हुआ नाव है, डूबते हुए नाव पे कौन सवार होगा? उनको याद में दिलाना चाहता हूं कि उनके पड़ोसी जिले सिवनी के निर्दलीय विधायक, जिनके बारे में वो सोचते थे कि हमारे पार्टी के वो हैं, उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आपने आय दोगुनी करने की बात की, कांग्रेस कह रही है कि आय दोगुनी नहीं कर पा रही, तो ये सलाह दी जा रही है किसानों को कि उद्योग धंधे लगा ले उनके बेटे? नहीं, मेरा यह कहना है कि जो जमीन तो सीमित है, परिवार हमारे बढ़ रहे हैं, जब हमारे परिवार बढ़े तो अकेले धरती सबका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्र में किसान के बच्चे जाएं। निश्चित तौर पर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने कांग्रेस के जो सवाल और जो आरोप हैं उनके बेबाकी के साथ जवाब दिए। कैमरामैन अतुल जैन के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।